खिलती हुई कली को मसला करेंगे लो खुशबू की एक बूंद को तरसा करेंगे लो आए जो आंसू आंख में जय हो आए जो आंसू आंख में को खुद की पहुंचिए घर पहुंचने आएंगे तो सौदा करेंगे लो हमारी तरफ से पेश हो जाए क्या बात हेलो हेलो बेस कम कर दो भैया ट्रेबल बढ़ाओ इसका हेलो 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 सब ऊंचे बोल रहा है हेलो 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 और इतना टूटा हूँ क्या बात इतना टूटा हूँ इतना टूटा और इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊं टूटा हूं के छूने से बिखर जाऊंगा इतना और तुम अगर दुआ दोगे और तुम अगर दुआ दोगे तो मर जाऊंगा इतना टूटा हूं कि छूने कर जिनके दम से मैं कीर्तन में जवान हूं और क्या अगर इनकी टैनिक न मिले तो शायद लोग मुझे बुढ़ा कह सकते बिल्कुल लेकिन बीनू भैया हमारे सुशील भाई ये लोग हमको जवान किए हैं अब इस गजल को मैं पेश करूंगा क्या बात है भैया वाह शिष्य हैं शैलेंद्र त्रिवेदी जी अच्छे उद्घोषक हैं आप और आपकी तरफ से ये पुरस्कार मिल रहा है हमारे बस्ती दादा मैं समझ रहा हूँ इस पीड़ा को तो मैं आपके चरणों में प्रणाम करते हुए एक गजल पेश करने का मूड बन गया पूछ कर मेरा पता बदला कान करो
पूछ कर मेरा पता बाती राह कान करो, मैं तो बंजारा हूँ, मैं तो बंजारा हूँ, मैं तो बंजारा हूँ, बस्ती को छोड़ जा ये जो मैं गा रहा हूँ, ये इनकी स्टूडियो में नहीं है और ना ही ये लोड कर सकते हैं ना। अगर लोड करेंगे तो 10,000 लेंगे हम, अगर नहीं देंगे तो मुकदमा कानपुर कोर्ट में लिखा देंगे। बिल्कुल, मेरी बगैर इजाजत के अनिल भैया मेरा कोई आइटम कोई बेच नहीं सकता है। दौड़ो, दौड़ो, मतलब नाचे बांधव और खाए मदारी और क्या, ये नहीं हो। अब इस गजल को सुने, सुनिए। भगवान राम अपने गुरु विश्वामित्र जी की महाराज के साथ में जा रहे हैं। अचानक भगवान राम की दृष्टि पर गई एक शिला, और जो ही शिला पर पड़ी भगवान राम ने सवाल कर दिया, गुरुवर आखिर ये शिला कौन है? विश्वामित्र ने कहा, राम ये शिला साधारण शिला नहीं, ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या, भगवान ब्रह्मा की पुत्री है, अद्वितीय सुंदरता जिसे मिली थी और श्रापित कर दी गई तो ये शिला के रूप में परिवर्तित हो गई। अब इसका उद्धार कैसे होगा? जब राम ने कहा उद्धार कैसे होगा तो भगवान विश्वामित्र ने कहा कि अगर तुम्हारा चरण इसको स्पर्श कर देगा तो इसका उद्धार हो जाएगा। आपको छोड़ कर आपको छोड़ कर सुशील भाई, मैं दही नहीं कहा था, जवान का जायका कंट्रोल में जो रखेगा वही गाएगा। जिसकी जवान लपर लपर चलेगी काम नहीं हो पाएगा। कंट्रोल करो। मैं गलत नहीं कह रहा, अब मैं देख रहा था इनको गाना गाना है, कल भी गाना है, लेकिन रायते का टेस्ट देखिए। गलत ठीक करिए। और सुशील भैया रियाज बनाए रखिए, आ जाएगा सब कुछ, ये वादा है मेरा। बिल्कुल। आपको छोड़ कर ये और इधर जाए। अनिल भैया अब भगवान राम से कहा आदरणीय गुरुवर विश्वामित्र ने, जय जय, हमारे दादा पूजनी संजय वस्ती जी के करकमलों से ये आशीर्वाद मिला है। मैं आपकी दीर्घायु की कामना करता हूँ कि जब तक आपका वरद हस्त है हम लोग बिल्कुल बेफिक्र आनंद लेते रहे। और क्या। तो विश्वामित्र ने कहा, राम आपको छोड़ कर ये और इधर जाएगी, तुम अगर पैर छुआ दोगे और तुम अगर पैर छुआ दोगे तो उतर जा, आपको छोड़ कर ये आज इधर जाए, आपको छोड़ कर ये आज इधर जाए, आपको छोड़ कर ये आज इधर जाए। ये दादा हमारे विनोद त्रिपाठी जी, आपके तरफ से आशीर्वाद मिला है।
शायद हमारी भाभी जी प्रसाद बांधने के लिए भेजी गई, ये लोग जाएंगे इनको प्रसाद बांध के जरूर दे दो। हाँ, प्रसाद दे दो सबको। समझ रहे, ये गृह मंत्री का गृह विभाग बड़ा मजबूत है। और क्या, पहला शेर पढ़ रहा हूँ। कैसे, विश्वामित्र जी ने कहा, और तुम अगर पैर छुआ दोगे राम, तुम अगर पैर छुआ दोगे तो तर जाएगी आपको छोड़ के ये जिनका मैं ताज जीवन ऋणी रहूंगा। कीर्तन जगत में जितनी सहायता पंकज सैलानी ने मेरी की है कोई नहीं कर सकता। पूरे रायबरेली क्या कीर्तन जगत में मेरी वजह से विरोध जिसने लिया हो वैसा व्यक्ति दुनिया में हो नहीं सकता। हर व्यक्ति से विरोध ले लिया पंकज ने, यहां तक कह दिया जो कुछ है मेरा भाई है तुम लोग सब बेकार, पूरा बंडे बेकार। इनकी तरफ से एक से एक पत्र बनाए हैं। पहला शेर पढ़ रहा हूं। हाँ ठीक है, हम मान लेते हैं। ये तो है सूखी नदी आपकी कपाहत, आपकी कृपा तो, और बन के सरिता, और बन के सरिता ये भी सागर में उतर जाए। इसकी सुंदरता का अभिमान मर चुका पहले, जय मणि। हमारा भाई सत्यार्थ, उनका बेटा मेरा भतीजा। अरे भैया लंबरदार, जय हो जय हो। लम्बरदार कह रहे हैं दही जलेबी बहुत खाए हो अमरकंटक में। सतीश सिंह जी हमारे सारथी, यात्रा में मेन सारथी की भूमिका निभाई। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी लखनऊ की तरफ से ये पुरस्कार है, मैं हृदय से नमन कर रहा हूँ। ये शेर सुनना पंकज भैया। ये तो इसकी सुंदरता का अभिमान मर चुका पहले, और आज प्रभु पाप की, आज प्रभु पाप की सिला भी मर जा। तुम अगर पैर छुआ दोगे तो तर जाएगी
सुनो भैया, सावनी छपी ने है समाधि हजारों छपियां। अब संगीत के कोर्स में सुशील भैया देखो क्या होता है। सावनी छबीन समाधि है हजारों छबियां। बहुत अच्छे रचनाकार और क्या, बहुत अच्छे कवैया स्वयं आजाद हमारे। मैंने आपको जिम्मेदारी दी है इस भाई को बाजार दिखाने की, ये तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी। तुम हमसे ताल ठोको, तुमसे ताल ठोको, ये बात हो क्या? और नहीं मानोगे ठुकवा देंगे। सावधी छबी ने सवारी है हजारों छबियां, और आपकी छवि से आपकी छवि से इसकी छवि संवर जाए। आपके छवि से इसकी छवि संवर जाए, आपके छवि से इसकी छवि संवर जाए। भगवान राम ने हमारे अनिल भैया की तरफ से पुरस्कार मिला है जो लखनऊ की धरती से हैं, और अनिल भैया इसने बना रहेगा। मैं तो मुंह में सब कुछ रखता हूँ, पेट में कुछ नहीं रखता और बर्दाश्त भी नहीं करता। जो गलत है वो गलत है, हम चाहे बाप बाप हो हमारे तभी मैं कह दूंगा तू गलत तो गलत। जय हो जय। ये हमारे हरदयांश, अब चूंकि अपनी कलम का जौहर इन्होंने हमको भी दिखाया है, दिखाया बहुत तगड़े से दिखाया है। और क्या, इनके कलम का कोई जोड़ नहीं रहा भी भैया, चूंकि ये सरकारी अध्यापक हो गए, इनकी पोस्टिंग हो गई सीतापुर, तो मजबूरी में इनको ये रोड बदलना पड़ा। आदित्य जी, आपकी रचनाएं आज भी हम लोगों के दिमाग में और जहन में रहती हैं कि आपने जो मेहनत की है उसका फल है कि आज भी आप हम लोगों के पास में हैं, दूर रह के भी पास में। तो ये आपकी कलम का जौहर है जो आप पास में। नहीं, कितने राइटर आए चले गए, कितनों गोइया आए चले, क्या मतलब? सुनने अंतिम बंद पड़ रहा हूं। भगवान राम ने जो ही चरण छुड़ाया अहिल्या अपने स्वरूप में आ गई। अहिल्या हाथ जोड़ के कहने लगी, विनोद दादा कहने लगी, मैं पतित नारी प्रभु आप पतित पावन को। क्या बात, क्या बात, मैं पतित नारी प्रभु आप पतित पावन को, और जिंदगी मेरी पदम, और जिंदगी मेरी पदम आज सुधर जाए। जिंदगी मेरी पदम आज सुधर जाए, जिंदगी मेरी पदम आज सुधर जाए। तुम अगर ये क्या बात है भैया, वाह। हमारे विनोद दादा की तरफ से, हमारे रचनाकार जिनकी कलम से मैं जाना जा रहा हूँ, बिल्कुल पदम जी के लिए बड़ा स्नेहमय पुरस्कार, एक पुष्पमाल के साथ हमारे पूजनीय औस्ती दादा की तरफ से पुनः मुझे आशीर्वाद मिला है, वाह। सादर चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। तो जिंदगी मेरी पदम आज सुधर जाए, जिंदगी मेरी पदम आज सुधर जाए,
दुनिया पुरस्कार दे तो वो दे दो। अरे इतनी पूड़ी खाए, इतना माल खाए हो, 100 रुपया दे सकते हो, दे सकते हो, इतने कोड़ी तो हो नहीं। दे दो जल्दी दो, अबे गाना गा रहे हैं। हाँ दे दो पूड़ी, अभी खाने को और मिल जाएंगे। हाँ चुट्टा करा मैं चुट्टा भेज ले। और तुम अगर पैर छुआ दोगे तो तर जाएगी देना। ये हमारी तरफ से था। और चूंकि उचित निर्णय मैंने लिया हो तो आप लोग समर्थन करिए। और